दोस्तों सोचिए अगर आपको एक ही जगह पर दुनिया के सातों अजूबे देखने को मिल जाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जो हैं आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे तो कैसा लगेगा, आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल माई ट्रैवल रन पर, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ वेस्ट टू वंडर पार्क, जो कि दिल्ली में बिल्कुल नया खुला है, एक दिन पहले खुला है। और आज मैं आपको यहाँ पर घुमाऊँगा, आपको अजूबे दिखाऊँगा, सातों अजूबे यहाँ पर हम देखेंगे। सुना है यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है, और उनके द्वारा ये 20 फुट 30 फुट और 35 फुट तक के रेप्लिकास बनाए गए हैं। तो जर्नी शुरू करता हूँ। जर्नी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक करके जाइए दोस्तों, और पूरी वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं टिकट चार्जेस और टाइमिंग्स क्या है और अंदर क्या है। लेट्स स्टार्ट अ ट्रैवल रन। दोस्तों ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग अभी फ्री है, गाड़ी और बाइक आप पार्क कर सकते हैं। ये इसकी एंट्री है, मैं आपको दिखा दूं। और ये देखिए सामने वेस्ट टू वंडर, जो कि पार्क का नाम दिया गया है। चार बड़ी है। दोस्तों टिकट ले ली है, और 12 से 65 साल की अगर आपकी एज है तो 50 रुपये की टिकट लगेगी, और 3 से 12 साल के बच्चों की टिकट अलग है जो कि 25 रुपये की है, आप ये देख सकते हैं 25 रुपीज़। और अगर 3 साल से कोई छोटा बच्चा है तो उसकी टिकट नहीं लगेगी। अभी एंट्रेंस में हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है वो ट्रक मेटल शीट का बनाया गया है, और ये सारा इसके बारे में डिटेल्स दी गई है। देखिए हाइट 23 फीट, वेट 23, और ये सारी डिटेल्स इसके बारे में दी गई है। और अब देखिए आपको हम दर्शन कराते हैं गीजा के। तो दोस्तों अभी अगर क्लोजअप लाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए मेटल से बनाया गया है, सही में आपको पता लग पा रहा होगा कि मेटल है। तो ये वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर करके नया बनाया गया है, अच्छा क्राउड आया हुआ है यहाँ पर। आगे भी जाएंगे और बाकी के अजूबे देखते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है इसमें, चारों तरफ सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर कर रखे हैं। आगे चलते हैं, आपको मैंने पिरामिड ऑफ गीजा दिखाया है अभी, और आगे चलेंगे। अभी तो 6 वंडर्स और रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नया पार्क है, थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है अपने आप में। काफ़ी अच्छा क्राउड आया हुआ है, ग्रीनरी है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ चलते चलते मैं आपको आगे कि ये कहाँ पड़ता है। तो जी ये पड़ता है दिल्ली निज़ामुद्दीन, जो कि काफ़ी फेमस आपका रेलवे स्टेशन है। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, सराय खालेगांव बस अड्डा के साथ है, बिल्कुल फ्लाईओवर निज़ामुद्दीन का है, उसके ये पास पड़ता है। बाहर रोड पर ही है, मेन रोड पर ही पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। आज तो कोई चार्ज नहीं हुआ, फ्यूचर का पता नहीं, बट आज फ्री थी, अभी कोई वहाँ पर था नहीं। बाइक पार्किंग एंड कार पार्किंग की पूरी फैसिलिटी थी, और वॉशरूम्स वगैरह पूरे हैं अंदर, सब फैसिलिटी मिली हुई है, सिटिंग फैसिलिटीज़ हैं, अपना बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और टिकट मैंने आपको बताई दी थी।
तो दोस्तों आई होप आपको खूब मजा आ रहा है, ब्राजील भी घुमाया, पेरिस भी घुमाया, आगरा तक घुमाया, और अब हम एंड में पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ यूएस अमेरिका। देखिए मेरे पीछे अमेरिका। तो फ्रेंड्स आपको मैंने सातों वंडर घुमाए हैं और अभी तक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अभी एक राउंड और मारने जा रहे हैं बिकॉज सनसेट हो चुका है और लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और अब लाइट्स में अलग ही नज़र आएंगे ये सारे वंडर्स। तो चलते हैं एक राउंड और मार के आते हैं छोटा सा फटाफट और देखते हैं लाइट्स के साथ यहाँ कैसा लग रहा है। मैंने नाइट में भी आफ्टर सनसेट भी घुमा दिया है ये और काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे सारे जो भी रेप्लिकास वंडर के बनाए गए हैं और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई है, तो आपको पता है आपने करना है इसको लाइक। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ओपन है ये पार्क और निज़ामुद्दीन के पास है, बिल्कुल निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, मेन रोड फ्लाईओवर के पास ही है ये। तो आइए वीकेंड पे आइए, बच्चों के साथ एंजॉय करिए, कैमरा वगैरह सब अलाउड है, इटेबल्स नॉट अलाउड, खाने पीने की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग आइए अपना आराम से, आप यहाँ पर एक डेढ़ घंटा एनफ रहेगा। तो आइए और एंजॉय करिए, बच्चों को लेकर आइए। चलिए अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, टेक केयर, हैप्पी ट्रैवलिंग, कीप ट्रैवलिंग।